छह सूत्रीय मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी महिलाओं ने आज कांग्रेस की कुंभकर्ण सरकार को जगाया। नियमितीकरण सहित अपनी छह सूत्री मांग को लेकर लगभग 32 दिनों से धरना प्रदर्शन कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार से अपने हक के लिए मांग कर रही है, जिसके चलते आज तक कोई भी पहल इस प्रदर्शन को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं की गई। इसी कड़ी में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के द्वारा प्रदर्शन स्थल में कुंभकर्ण का रूप लेकर महिलाओं ने अनूठा प्रदर्शन किया और इसके माध्यम से प्रदेश सरकार को कुंभकर्ण नींद से जगाने अपना संदेश दिया। इस अवसर पर धरना प्रदर्शन में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने नगाड़े बजाकर कुंभकर्ण की नींद सोई सरकार को जगाने का प्रयास किया। साथ ही इस अवसर पर भाजपा ने भी अपना समर्थन देते हुए आंगनबाड़ी महिलाओं की मांग को जायज बताया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने धरना स्थल पहुँच अपनी सहमति जताई। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष आंगनबाड़ी महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 32वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का जिला में और हम सरकार के विरोध में आज ढोल नगाड़ा बजा के कुंभकर्ण जो 6 मास होते हैं, 6 माह उठते तो हम जो 6 माह से जो सोए हुए हैं, 4 साल से जो सोए हुए सरकार, हम उनको आज जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनके विरोध में पूरे पंडाल में नगाड़ा ढोल बजा बजा कर उनको जगाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं हूँ कांग्रेस की लबरा सरकार। जब तक मांगे पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आंगनबाड़ी की जो बहने हैं और ये सरकार किस टाइप की सरकार है समझ में नहीं आता। इतनी बहने को यहाँ तक इस हद तक गिरा दी है कि कुंभकर्ण की नींद से सरकार को जगाना पड़ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।